चैनल की सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ ताजे तुसों की आसानियां सारिया नवीं वीडियोज की नोटिफिकेशन लभे। नाल ही वीडियोज लाइक शेयर करो और अपने तासरात वीडियो YouTube चैनल देखने वाले सारे संगिया साथियों की अलताफ हुसैन जुजवाना प्यार और आदाब में सारे की जी आए आप ना नाजरीन। आज अस राजौरी जिला ने पंजा कोट ने हवाले ना लोगों की क्या मुश्किल क्या मसाइल है और इस वक्त नहीं जो मौजूदा सूरत हाल है उसने बीच क्या जरूरत लोगों इस बारे गल कर सा और इस वास्ते असन नाल अज मौजूद एक मेजबान यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सूबाई नायब सदर और पेशे थे वकील भी है जनाब एडवोकेट अब्दुल कादर खान साहब, समाजी वर्कर भी है, अपने इलाके नी हमेशा मसाइल को उजागर करने रहे। अब्दुल कादर खान साहब मैं तुसा की जी आया अपना इस प्रोग्राम जी शुक्रिया अल्ताफ साहब। इस वक्त मजमुई जिला राजौरी ने अंदर लोगों ने क्या क्या है मसले और तुसा ने अपने मंजा कोट ने विच क्या सूरत हाल है लोगों ने जिन्हां पर हुकूमती ध्यान देने की लोड़ है इस वक्त। सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना तुसा ना कि तुसा इस प्रोग्राम विच लाइव लिया। अल्ताफ साहब इस इलाके ने खासकर 5 अगस्त 2019 तो बाद इस इलाके च बड़े तकरीबन पूरी रियासत ने बड़े पेचीदा मसाइल ने, लेकिन जड़ा रिसेंट कोविड नी दूई लहर स्टार्ट हुई है उस तो बाद जड़े बाकी इश्यूज नो थोड़े बैक बर्नर चली है। इस टाइम ज्यादा ज्यादा ध्यान जड़ा है लोगों का जिस परेशानी नाल अज सबसे पहले मैं आखसा कि इसलिए रमजान मुबारक है, साड़ा ईमान है कि इस मुकद्दस महीने च अल्लाह साड़ी दुआवां कबूल करना। सबसे पहले तो असीं दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस महामारी को इस बीमारी को सारे नी हिफाजत फरमाए। आमीन। एक चीज है कि कई लोग आखने कि भाई ठीक है, मतलब मुसलमान एक ए रुझान भी है कि जी ठीक है, कि असीं ये दस्या गया कि भाई ऊंट ही खूंटे नाल उसी बरनी उस तो बाद तवक्कल करो क्योंकि एहतियात बरतनी है। मेरा पहले तो ये अपील रही कि सारे लोग एहतियात बरतन, एसओपी फॉलो करन। बाकी खासकर मंजा कोटी दो चार कोविड की वजह डेथ भी हुई हैं, बड़े लोग इसका इन्फेक्शन इन्वॉल्व बन जी। असल च होया है कि जी फर्स्ट वेव सी अल्ताफ साहब उस तो बाद कोई मतलब 24 मार्च 2020 की लॉकडाउन लगा सी और एक साल उस तो बाद मतलब एक साल गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, मतलब कोई तैयारी नहीं की थी। जी 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 तको अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम है वो मुल्क इस इतने सफर हुए, लेकिन आसा सोचा कि पता नहीं अस कौन चीज आसा ने मतलब अस सेकंड वेव आन ही नहीं ले, आसा बिल्कुल कोई तैयारी नहीं जी। तको मैं जड़े 2020 की जड़े वेंटिलेटर सन उवे जड़े ऑक्सीजन सिलेंडर सन उवे जड़ी दवाइयां कोई नहीं, ये हालात न इसलिए हॉस्पिटल ने पूरे थ्रू आउट कंट्री। मैं तुसें दो चार चीजा पढ़ी सनासा के क्या क्या गलती साढ़े कोल कुछ हुई। तको जनवरी इसे साल ने जनवरी 2021 की प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जी आख्या कि दैट इंडिया हैज डिफीटेड कोविड, फिर उस दो तीन हफ्ते बाद बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन पास किया उसे जो है इट कैन बी सेड विद प्राइड दैट इंडिया नॉट ओनली डिफीटेड कमिटेड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बट ऑल्सो इन्फ्यूज्ड इन ऑल द सिटीजंस द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड एन आत्मनिर्भर भारत, मतलब असा डिक्लेयर कर छोड़िया कि बिना कोविड असा खत्म कर छोड़िया हिंदुस्तान ही। फिर जड़े असा ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मार्च स्टेटमेंट दी क्लेम किया वी आर इन द एंड गेम ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक इन इंडिया, मतलब इंस्टेड ऑफ बजाय इसने कि अस तैयारी करा महामारी नाल लड़ने तो अस डिक्लेयर करने रहे हैं कि नहीं जो इटली अमेरिका ब्राजील जड़े मुल्क मतलब सारे नी परसेप्शन है जी उन्होंने इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है और साड़ा स्ट्रांग है अस लड़ अज हालत ये है अस दिल्ली ने मतलब दिल्ली या यूपी नी वीडियोस तक नींद नहीं आनी, लेकिन आज भी मतलब ये नहीं कि कोई चीज ठीक है तैयारी नहीं की, कोई चीज वार फुटिंग करनी पैनी है। जी मैं कल फेसबुक अपडेट भी किया कि भाई ठीक है अज वर्कलोड है जीएमसी जम्मू तक बड़े अफसोस की गल है, कल साड़ा एक साथी वकील भी बेचारे इस कोविड की वजह जुदा हो गया। मुसीबत यह है कि जीएमसी साढ़े अपने कोई डॉक्टर है दसने कि भाई उथे कोई सिस्टम ही नहीं, क्या करा वेंटिलेटर लिमिटेड है, अच्छा इनफ्लो इतना है वेंटिलेटर दिया मतलब बेबसी नहीं हालत है, लोग क्या कर रहे कोई ना या तो उन्हें डॉक्टर पहले कोई पेशेंट रखन भी था एक लिमिटेड स्पेस है आइसोलेशन वार्ड
रखने थोड़ी देर उत्थै। पर बड़ी चीज यह है कि तको उत्थै जेड़ा मतलब मेडिकल कॉलेज जम्मू जोरी पहुंचना या दूर दराज डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ दूर दराज इलाके ना अगर कोई बंदा पेशेंट मेडिकल कॉलेज जाना तको उसी उत्थै कितनी परेशानियां उसने ना उत्थै उसने कोई अटेंडेंट चाहिए ना उसी कोई मॉरल सपोर्ट है कल्ला उत्थै उस वार्ड ही पिया उसी कोल कोल अगर उसने नजदीक कोई दुआ पेशेंट सी जिसने डेथ हो जानी ओदा डिस्करेज हो मर जासी बेचारा कई लोग तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट रहता है डरनी वजह के मर गए बेचारे ये ना सारी चीजें नफ्सियाती तनाव हो रहा है कल जा के नफ्सी मतलब डर इतना है और कुदरती होना तक जिला तुमने फैमिली नहीं नाल ले फेंका ना एक वार्ड आने डॉक्टर रूटीन ही वो भी बड़े दूर पूछने के भाई क्या साबता है तुम क्या दसी बेचारा आपने कोई अटेंडेंट नाल होया बंदा दसने के मैं इतनी परेशानी है और बड़ी गल ये है कि तको कोई बीमारी है मतलब खासकर सिंपल कोल्ड भी तुसे एक बैलेंस डाइट मतलब एक पेशेंट जाना उसी हर एक वेंटिलेटर की लोड भी नहीं पेनी स्टार्टिंग मुसीबत ये है कि एक बंदे अगर इन्फेक्शन होनी रातों रात तो सीरियस नहीं हुई उसी बेचारा उसी डरना के भाई जम्मू में किस तरह पूछा उतना खर्चा कौन मेरे नाल कौन जा सके कि कोविड नाल जाने से भी कोई तैयार वो क्या करना प्रेफर करना कि मैं घर ही रहा फिर उसने जिस टाइम इन्फेक्शन कंट्रोल तो बाहर हो जानी उस तो बाद दौड़ना बेचारा हॉस्पिटल फिर वो बेचारा वापस आने लायक ही नहीं होने उसको बेहतर यह है कि जो पी एच सी लोकल अप्रोचेबल वो लोग उतना ऑक्सीजन देते जाए पी एच सी ने नजदीक बिल्डिंग्स हैं आज हर एरिया टाउन आलन अच्छा हॉस्टल हैं खाली पे हैं इवन मस्जिद ही इस्तेमाल किया जा सकना एक सॉर्ट ऑफ वार्ड बनाई जाए उत्थे अवेलेबल इंजेक्शन लाने रेमडेसिविर जड़ी जड़ी दवाइयां मेडिकल वाले ज्यादा दसी सके उत्थे अवेलेबल की जान ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे जान क्योंकि कुछ थोड़ी परेशानी होनी है उसी उत्थे परेशानी ने मतलब फौरी हल उत्थे स्टार्ट ताकि लोग जड़े घरों बाहर इन्फेक्शन लिए बेही जाने ने बरक्स जम्मू जाने को बेहतर यह है कि वह प्रेफर यह कर सन कि साढ़े कोल कोई हॉस्पिटल हो जिथे असं शामी कोई खाना भी दे सके मेरा भी दे सके कोई खाने पीने का समान भी असं वरना इतो जम्मू जासी उत्थे फिर बड़ा बड़ा मुश्किल है मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही मतलब चैनल ने थ्रू मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही गवर्नमेंट ही अपील करना पीएचसी ते सीएचसी इन्हें ही कारगर बनाया जाए इन्हें वायबल बनाई इत्थे लोकें ही जड़ी ऐ सॉर्ट ऑफ फर्स्ट एड ही आखो सी ऑक्सीजन अवेलेबल किया जाए नहीं ड्रग्स अवेलेबल किए जाए कि हर एक सी पेशेंट ही वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पैनी उऐ पेशेंट शिफ्ट किया जाए मेडिकल कॉलेज जम्मू या मेडिकल कॉलेज रजौरी या जड़े जड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं जी नहीं ज्यादा जरूरत है जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ले जाने की नहीं जरूरत है उन्हें शिफ्ट किया जाए वरना हर बंदा अगर क्योंकि पीएचसी अगर इस तरह रही है या असा इधर लोकल लेवल में एक और गल दसो मतलब तैयारी तो रखनी चाहिए ना बिल्कुल जी मंजा कोटनी पॉपुलेशन एक लाख खुदा ना करे मतलब 5% भी अगर लोग पॉजिटिव हो जाने 5000 बंदे एक उथे कैटर कर सन इस तरह पूरे रजौरी ने पूरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट की 10 लाख आबादी है उन्होंने 5% भी हुआ है ये आज नहीं गल नहीं जो स्पेनिश फ्लू आया सी उसले भी तकरीबन 6 लाख लोग उसले आबादी बड़ी घट होनी सी 1906-07 उसले इतने लोग इन्फेक्शन नाल मर गए सन ये नहीं आना चाहिए कि भाई अस कोई अलग ब्रीड हाँ असं साड़ी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है स्ट्रेन चेंज हुई है साड़ा जो पहला स्ट्रेन सी देखो अज अजे लोग मतलब अचानक पकड़न होने तो उन्हें डेथ हुई बेडिंग पे नहीं है कोई गल नहीं उत्थे शिफ्ट नहीं किया सिस्टम है खाली उत्थे इना करना जेड़े
ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ MBBS ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ PPE ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਡਨ ਪਏ, ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਲੋਕ ਐਡਜਸਟ ਹੋਈ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਟਰ ਹੋਈ ਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਬੇਬਸੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ GMC ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕੋਈ 14 ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ देखो शहर ने भी कस्बा जात ने अंदर इनफेक्शन ना फ्लो जड़ाया उत्थे ज्यादा लोग ज्यादा मुतासर हो रहे पर निस्बत के ग्रां ने, चलो ग्रां ले तुस ग्रां सतह ने ऊपर ही अगर तुस उना वास्ते सोचता करना हो, हालांकि उत्थे ग्रां ने अंदर बहुत सारे कई लोगों ने कंपलेक्स बड़े-बड़े हाल कोई वो है तुसा जिहड़ा मदरसे वगैरह मस्जिदां नहीं गल की उन्हें भी इस्तेमाल करी, पंचायत घर भी कई जगह तुसी इस्तेमाल करी सकने, बड़ा बेहतरीन जिहड़ा मशवरा है तुसा दित्ता। कादर साहब तुसा ने इसलिए मंझा कोर्ट ने क्या सुरते हाल है, जिहड़ा तुसा मंझा ना मंझा कोर्ट ना अस्पताल है उत्थे क्या कुछ इंतजामात कीते ने और उत्थे सिलेंडर और ऑक्सीजन वगैरह इस चीज ना क्या कुछ दस्तयाब? देखो मंझा कोट तहसील है और इथे PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेकिन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सिर्फ एक है, मैं एक लाख आबादी सिर्फ एक कंसेंट्रेटर, बाकी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ ਹੈ ਅਮਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 40% ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਠੀਕ, ਕਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲੈ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਖਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਸਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ, ਔਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਕਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਸਲਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਸਲਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰੀ। ਮਾਂਝਾ ਕੋਟ ਕੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ 20-25 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਰਜੌਰੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਨੇ, ਆਧਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸਲੇ, ਔਰ ਰਜੌਰੀ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆਵਨ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲੰਗ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਪੜੋਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਕਲਾਲੀ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਵਾਲਵ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੰਮੂ ਲੈ ਜਾ ਸਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਲਾ, ਫਿਰ ਸਰ ਡਰਨੇ ਰਜੌਰੀ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੱਕੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰਸੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਿਕੋਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਚਾਰਾ ਡਰ ਡਰੀ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਰਜੌਰੀ ਪਹੁੰਚਤੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਿਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਆੜਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਆ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਲੋਕ ਅਸ਼ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, FIR ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਪੀਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸੁਰਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਔਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਮੰਝਾ ਕੋਟ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਰਜੌਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸ ਆਖਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋ ਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨਮਿਕ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੀ। ਮੰਝਾ ਕੋਟ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ KS ਅਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸੀ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸਨ ਸਮਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੋ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੱਕੋ
खास कर पिछले एक दो साल जड़े लोगों ने जड़ी बाइंग परचेजिंग पावर है बड़ी कटी हर एक बंद क्योंकि कोविड की वजह नाल है नहीं सी हर हर तबका मारिया कोई आखे के नहीं जी एक्सेप्ट मुलाजम ही छोड़ी हर इतना मुलाजमा नहीं परसेंटेज का ही है तुम्हें पता ही है गरीब लोग इन्हें राशन घर पजाना चाहिए सिलेंडर का मसला है सिलेंडर नहीं कोई पूजने चाहिए फिर पानिया ने मसले न फिर मुसीबत यही है अल्लाह ने शुक्र है साढ़े एरिए इतना नहीं है लेकिन बड़ी तको ना इंसानियत इस लेवल तक पुज गई कि ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हुई जड़ी दवाई 20 रुपए नहीं और 100 रुपए नहीं देने मास्क जो महंगे हुई है बाकी दवाइया जड़िया महंगी हुई हैं मतलब यार ये चीजा इंसान मेरी एक अपील रही तुसने थ्रू के इसलिए इंसानियत दसने का मौका है आप इंसानियत दसो इंसानियत बरतने का मौका है ना कि गैर इंसानी काम ब्लैक मार्केटिंग या कुसे को ज्यादा पैसे लेने ना टाइम है इसलिए इंसानियत की खिदमत इस इंसान ना बाकी फर्क क्या रही है फिर इंसान का जानवर ये मौका है कि अपनी इंसानियत बरतो ये सारिया चीजा जड़ी जड़ी कुदरत शिकायत आवे करनी है इन्हें शिकायत इनिया आनी चाहिए और लोगों के जिसकी तौफीक है अल्लाह ने तौफीक दी थी वो अपनी तरफ बढ़ चढ़ के इवन की कंट्रीब्यूट करे कई गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं जाई सकने कई फोन भी आने खुदा गवाह है कि असा ने क्या वैसे कैसीयत है लेकिन कई लोग आने के जी मैं पॉजिटिव तो हाँ लेकिन अस्पताल ना इलाज इतना महंगा है कि मैं जाइए उ करसा गया फिर मतलब एक लोग जरूरत इस टाइम यह है कि सारे रल मिल के उन मदद करन जड़े लोग कोविड मतलब पॉजिटिव हुई है और कोशिश की थी जाए कि अपने तौर SOPs फॉलो करके थोड़े क्या ना इस चीज को बचा भी जाए बाकी अच्छा बिल्कुल आखिरी एक सवाल कादर साहब के बिल्कुल जरा तुसां फरमाया कि असें इसलै इंसानियत दसने ना वेला आ पिछले साल असां देखिया कि बड़े शायद इस वरी शायद उसना सोशल मीडिया पर प्रचार घट हुई है या अमली तौर पर ही चीज घट हुई है पिछली वरी जिला कोरोना आया लॉकडाउन था शुरू ने एक दो महीने बड़ा जी राशन बंडिया असा ये चीज दी वो दी बड़ा एक चर्चा रहा उसके बाद खामोशी हुई उसने जाहिर सी बात है वसाइल भी नहीं रहे हुसन ऐसा तंजीमा पल इस वरी दोबारा कुछ कोशिशां एक दो बंदियां नी तरफों सामने आईयां चोरी ने भी ओवरऑल तुस जड़ी ये सिविल सोसाइटी है या ऐसे इमदादी ग्रुप्स है उन्हें तुसां ना क्या मशवरा होसी कि उन्होंने क्या हिकमत अमली होनी चाहिए नी इस वेला के इस वेला ये वेला है कि सारे मिली जुली दा जिस जगह एक एक जगह ही चीजा पचाए दुआ दुआ पचाए तो क्या ऐसे इस मामले पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए जितने इमदादी अदारे या रजाकार तंजीम असल पिछली बार जो क्या ज्यादा फोटोग्राफी ज्यादा हुई लेकिन बहसियत मुसलमान साड़ा मनना है कि जिथे रियाकारी हो जाए उथे उसी लबन कख उसना अजर कख नहीं दूसरी गल है ठीक है वसाइल भी कटिए दिया बड़ा इस बार इस मसला है कि पिछली बार जड़ी कोविड इन्फेक्शन सी उसना डेथ रेट 1.86 थी आई थी उसका डेथ रेट थोड़ा काट सी इस बार जड़ी जिसको से इन्फेक्शन होनी लोग मतलब असाने सामने सामने बड़ी कीमती जाना जा रही थोड़े जे डरे ने भी हैं कि भाई ये ना हो कि अस जाते अस आपे इन्वॉल्व हो जाए इन्फेक्शन ले घर आई जा ये भी चीज है लेकिन फिर भी देखो प्रॉपर अगर SOPs फॉलो करके रजाकाराना तौर पर बगैर फोटोग्राफ अगर किया जाए तो किया भी जा सकना मदरसे बंदा चंदे रहना मस्जिदां इमदाद करना बड़े चीजां लेकिन इस लक्ष्यां कि कोविड ज्यादा जरूरी है उन्होंने मदरसों ने भी ध्यान श्यान रखा जाए लेकिन अगर अस उसे बगैर कुसै शो ऑफ बगैर फोटोग्राफी वीडियो थी बगैर उन्हें गरीबों ही एक्सपोज करने तो उन्हें बेचारे डिमीन करने तो बगैर अस अगर कोई चुप चाप तरीके नाल मीडिया फ्लेयर बचने उसे ना ही अजर है बाकी तो जरा एक बार अल्लाह आखसी के भाई ठीक है आपने जो आपकी सखावत थी वो सिर्फ दिखाने के लिए थी आपको लोगों ने वाह वाह कर दी अब यहाँ कोई अजर तो उसको बचने बिछाने अगर सारे लोग कट्ठे हुए थे इमदाद करन जड़े जे खास कर एक तो हुई ना उन्हें राशन पानी एक मेरी तो एक अपील रही मेरा अपना एक्सपीरियंस ये राशन पानी जो पिछली बार बढ़ने से ना उसको मी ये लगना बेहतर है कि जड़े
क्या नाम फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इन्हें बंदा फोर्स करे भाई हर जगह पे जाओ, राशन पानी ना ड्यूटी है और लोग इन्हें देना चाहिए ना, बाकी इमदाद करनी चाहिए, लेट इट बी कुछ इमीडिएट ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब प्राइवेट ऑक्सीजन मिलना ना असें उस फंड कट्ठा ही रखना चाहिए ना, अगर इमीडिएट क्या ना हॉस्पिटल की जरूरत है, कुछ बेचारे दवाइया की जरूरत है, ये चीजा मुझे लगना ज्यादा जरूरत जरूरी है, बाकी जो गवर्नमेंट ने कॉमन अस अपने हाथ ना उन्हें गवर्नमेंट ही प्रेशर प्रेशराइज करा कि हाँ जिथे भी फटाफट क्या ना राशन पानी जरूरत है गवर्नमेंट ही फटाफट पूछना चाहिए उतना असें ड्यूटी होनी चाहिए, अस आपे राशन बंडन शुरू हो जाने गवर्नमेंट सोचनी पे अपने का वो अपने मस्त हो जाने, और पता है कोविड लोगों पैसे भी बड़े कमाए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन साइड, ये सारी चीजें मेरी ये अपील रही थी तुसाने थ्रू गवर्नमेंट, ये मेरा पहला वो पॉइंट के भाई पीएचसी से सीएचसी वाइबल बनाया जाए रश बैल करने से, ते बाकी लोगों ही अपील रही थी कि एसओपीज फॉलो करो, अलग अलग रहो, इवन के कार भी तुस मास्क लाई रखो, तुस उन्हें इमदाद करो दवाइयां वैक्सीन, और बड़ी गल कई लोगों की बड़ा फोबिया है कि जी वैक्सीनेशन ना लो कोई एलमेंट्स आनी है, वैक्सीनेशन सारे करानी नहीं, मैं आपे कराई, मैं फिट हाँ इंशाल्लाह कख नहीं सब खैर है, घर आलिए सारे कराई, बाकी साढ़े अड़ोस पड़ोस इन्फेक्शन क्या ना लोगों वैक्सीनेशन कराई है, सारे वैक्सीनेशन भी करानी चाहिए, तो मैं इन्हीं अल्फाजा नाल अपना क्योंकि तुस आपे भी पेशे तो वकील हो, इतना टाइम कढ़ी तो तुस लोगों ने जेड़े इलाके ने अवाम ने मसायल है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने बड़ी गल है, कोई वकील अपना टाइम उधर सर्व नहीं क्योंकि वकील बड़ी एक मशहूर का वकील गल्ला ने भी पैसे लेने तुसें मुबारक है इन्हें चीजा नहीं इस मतलब इस खासकर इस दौर जरूरत है इन्हें चीजा नहीं लोगों ने मसायल गवर्नमेंट तक उजागर करने नहीं उन्होंने तक पहुँचाने नहीं ये जरूरत है, मैं मुबारक भी देना शुक्रिया भी अदा।